हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर। आज फिर हम क्लास 10 के चैप्टर 2 का जो एसी बेस एंड फोल्ड्स है उस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं। इसमें इससे पहले आपने बहुत सारे सॉल्ट्स के फैमिली में से बहुत सारे सॉल्ट्स को मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज उसी में से एक सॉल्ट्स जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको लेकर के आए हैं। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके नाम से, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट या हाइड्रेट सॉल्ट। हाइड्रेट सॉल्ट कहने का मतलब हो जाता है कि वैसे सॉल्ट जिसमें H2O हो, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो अभी से जो भी हम सॉल्ट पढ़ाने जाएंगे वो सबके सब आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट ही होंगे। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से इसमें आते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस ही पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप जानेंगे इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। फिर प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि इसको कैसे बनाए जाते हैं, इसको कैसे फॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे और यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानेंगे। तो आज अभी हम लोग इसके बारे में केवल इतने ही टॉपिक्स के बारे में हम जरूर जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह एक पाउडर, व्हाइट पाउडर के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न तरीकों से, यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका उपयोग हॉस्पिटल में देखते हैं। अब आजकल जो होते हैं कि लोग अपने घरों को पेंट करने में भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि उनकी दीवार चिकनी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह वास्तव में कैल्शियम सल्फेट होता है जिसमें वजन की मात्रा होती है, यानी कि वह किस रूप में होता है, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट के रूप में होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल सकते हैं। अब यहां आता है आपके पास की क्वेश्चन जो होते हैं वह क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे इसमें अराइज हो पाते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपके पास आता है कि कॉमन नेम, तो कॉमन नेम अगर पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन को पूछने का जो तरकीब होगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उसमें आपको क्या लिखना है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रेटेड हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो उसका जो कॉमन नेम होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखेंगे। सेम उसी तरीके से अगर कॉमन नेम ही पूछे जाने हैं तो उसको केमिकल फॉर्मूला से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaSO4 into ½H2O, या इस हाफ H2O के जगह पर यहां पर 2H2O भी लिखा हुआ है, तो यहां पर दो मीनिंग्स निकलते हैं, एक जिप्सम होता है और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है। लेकिन यहां पर जब भी आपको 2 लिखा हुआ है, जब भी यहां पर 2H2O लिखा हुआ है, तो उस स्थिति में आप केवल जिप्सम ही लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लिखेंगे। अब यहां पर आपने जान लिया कॉमन नेम और केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला के बारे में, या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे फॉर्म किया जाता है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वह वास्तव में जिप्सम से ही होते हैं। जब आप जिप्सम को देख रहे हैं, ये जिप्सम का ही केमिकल फॉर्मूला है जिसको आप CaSO4 into 2H2O बोलते हैं, ठीक है। तो यहां इसका जो केमिकल नेम होगा, जिप्सम का जो केमिकल नेम होगा उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, दोनों तरकीब से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां क्या है कि जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब उसको यहां पर रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि आप ज्यादा देर तक गर्म ना करें, यानी कि टाइम पीरियड को यहां देखा देखा जाता है। तो टाइम पीरियड के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि जिस समय वह प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में आते हैं उस समय उसमें
ड्राइनेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस समय उसमें ड्राइनेस आ जाए उसी समय हम उसे हीट करना बंद कर देते हैं, तो आपके पास क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O के साथ, और ये बाकी जो H2O होते हैं वो वेपर्स में चले जाते हैं। अब यहां हम लोगों को देखना क्या है कि जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको बैलेंस ही करना होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट वन मॉलिक्यूल्स है लेकिन H2O टू मॉलिक्यूल्स के साथ। अब यहां पर जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला, तो आपके पास क्या आता है कि कैल्शियम सल्फेट वन मॉलिक्यूल्स लेकिन हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो बाकी जो टू मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से हाफ मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे और रेस्ट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वे इवेपोरेट्स कर जाएंगे। तो इवेपोरेट्स की स्थिति में हम लोग क्या दिखाते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप यहां पर वन इच वन बाई टू इंटू करें, ठीक है। तो यहां पर ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आप देखेंगे तो यहां पर देखिए यानी कि 1.5 H2O एंड 0.5 H2O को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि वेन जिप्सम हीटेड ऑन द 100 डिग्री सेल्सियस देन दे प्रोड्यूस हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट एंड वन एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। आप इसको डालें उसके बाद आप इस इक्वेशन को डालें। अब दूसरी मैंने यहां पर और डाल करके आपको दूसरी इक्वेशन को समझाने की कोशिश किया है, उसको आप देखेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सेम वही जिप्सम का फॉर्मूला मैंने डाल दिया है लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं कि केवल वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ आपको दिखा रहे हैं। अब वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ अगर दिखा रहे हैं तो यह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, ठीक है, जिसको आप एनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, एनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अब एनहाइड्रेटेड कहने का मतलब होता है वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद एनी कंपाउंड यानी कि सोल्ट कंपाउंड, राइट। अब यहां इसको अब हम फिर से बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो आप यहां देख के आ रहे हैं कि इसमें आपने 1H2O डाला है, यहां पर 2H2O है और 1H2O यहां, ठीक है। लेकिन इसको हमें क्या करना होगा कि उसी के फॉर्म में फिर से हमें दिखाने होंगे। तो जब आप उसी के फॉर्म में फिर से आप दिखाने के लिए चलेंगे तो दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर जो H2O है उस H2O की संख्या को आपको बढ़ाना होगा। तो इस H2O की संख्या को जब आप 3 कर देते हैं, ठीक है, तो 3 एंड 4 होते हैं, तो 4 होने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि टोटल के साथ आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या देखते हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे कि इस 2 के साथ जैसे ही आप इसको करते हैं तो यहां पर आपके पास क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं वह कैल्शियम सल्फेट भी 2 आते हैं। तो 2 कैल्शियम सल्फेट के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4H2O होते हैं। कितना होते हैं, 4H2O होते हैं। अब 4H2O की स्थिति में अगर हम जाते हैं यहां पर अगर हम फ्री करते हैं तो क्या ये सही होंगे, नहीं ये गलत हो जाएंगे। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास केवल 4 ही H2O आने चाहिए, जबकि आप जैसे ही इसको इंटू करते हैं तो यह इंटू इस पूरे के साथ होगा, ठीक है।
अब जैसे ही ये पूरे के साथ होता है तो आपके पास कितने आते हैं, 2H2O यहां आते हैं, तो अब आपके पास यहां 3 नहीं बल्कि 2H2O आते हैं। अब देखिए दोनों तरफ 4-4 पूरे होंगे, तो इसको आप अंडर कोस्ट में ही आप डालेंगे ताकि या इनटू के साथ जो H2O आ रहा है उसके साथ भी यह मल्टीप्लाई हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे लिखने की स्थिति में आप अगर लिखते हैं सपोज दैट 2CaSO4 H2O, तो ऐसी स्थिति में केवल यह कैल्शियम सल्फेट के साथ यह 2 मल्टीप्लाई करेगा, वाटर के साथ नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है यहां पर कि वाटर के साथ भी करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको अंडर कोस्ट में डाल करके फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो आप देखेंगे तो 2 ये भी पूरे के पूरे 2, ये भी पूरे के पूरे 2, अब टोटल आपके पास कितने हाइड्रेटेड हो गए, तो 2 हाइड्रेट एंड 2 हाइड्रेट टोटल नंबर ऑफ H2O 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहां देखिए 2 इसके साथ भी आके मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैंने इसको अंडर पोस्ट में डाला है, तो 2 यहां भी पूरा 2 यहां भी पूरा, ठीक है। अब ये 2 फिर इस हाइड्रेट्स के साथ जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल H2O कितने हो जाते हैं 4। अब यहां भी 2 कर रहे हैं तो ये 2 और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए 4। तो इस तरीके से आप भी इसको बैलेंस करके बना सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। तो आपका है क्या प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैंने अभी आपको बताया था कि यह क्या होता है व्हाइट पाउडर होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसका, यह जो पाउडर के फॉर्म में होता है उस समय केवल उजले ही होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत आते हैं कि यह जो होते हैं बहुत ही हैवियर मास में होते हैं, कब, जब इसे पानी में डाला जाता है, यानी कि जब आप कुछ पानी में इसको डालते हैं तो पानी में डालने के बाद यह हैवियर हो जाता है और लगभग हाफ आवर यानी कि आधे घंटे के बाद यह क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं, यानी कि ठोस हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। फिर आपके पास आता है इसका कि जब आप किसी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के इतने भी अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो उसमें डाला गया जो वाटर होता है उसका भी अमाउंट, उसका भी मात्रा लगभग इक्विवेलेंट नहीं उसके बराबर में रखेंगे ताकि वह ज्यादा गीला न हो, ठीक है। तो ज्यादा गीला होने की स्थिति में यह क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आता, तो यहां पर निश्चित मात्रा में सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को ही इसमें हम डालते हैं ताकि यह क्रिस्टल के फॉर्म में आए, और यह जिस समय जमते हैं उस समय अपने आप को जिप्सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये इसके प्रॉपर्टी जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर आपके पास आते हैं यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम सबसे पहला जो उपयोग होता है वह कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। जब किसी भी प्रकार के शरीर के मानव शरीर की जो हड्डियां होती है वह अगर टूट जाती है तो टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, यानी इसको जब यूज किए जाते हैं सपोज दैट कि अगर किसी आदमी का लिम्स पैर टूट जाता है तो पैर को पहले राइट पोजीशन में आप रखें यानी कि उचित स्थिति में डाल करके फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि बैंडेज कॉटन और प्लास्टर ऑफ पेरिस इन तीनों का यूज करके उसको सही स्थिति में ला करके उसके ऊपर हम प्लास्टर कर देते हैं, और जब वह आधे घंटे के बाद पूर्णतः जम जाता है तो जमने के बाद फिर उसे कुछ दिनों तक लगभग कम से कम 2 वीक या उससे ज्यादा 6 वीक तक रखे जाते तब वह लिम्स जुड़ जाता, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ हो गया, हॉस्पिटल में। दूसरा जो इसका उपयोग होता है वह उपयोग कहाँ होता है कि किसी भी प्रकार के अगर टॉयज वगैरह बनाने हैं, खिलौने, हमारे घरों में बहुत सारे खिलौने भी बनते हैं, चाय कप प्याली भी बनती है तो उसको पेंट किए जाते हैं उसके बाद, फिर मूर्ति का अगर सांचा बनाना है तो उसमें यूज किए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि घर में इसका उपयोग किए जाते हैं, तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज हम लोग करते हैं।
फिर आगे आता है कि इसका जो यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वह फायर पुअर फॉर्मिंग में किया जाता है, यानी कि फायर रेजिस्टेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आता है इसकी स्थिति, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है वह अधिकांशतः केमिस्ट्री लैब में भी किया जाता है, जहां पर जिप्सम बनाया जाता है या फिर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया। उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है, जहां पर कि एटॉमिक रिसर्च किए जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपकी जो टॉपिक है उसमें आपके पास क्या आता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रेटेड सॉल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट को देखने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिसको मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखा है उसको आप बोलेंगे वाटर और क्रिस्टलाइजेशन, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर केवल डिफाइन करने के लिए कहा जाता है या वाटर क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है, तो दोनों सेम एक ही चीज होते हैं। वो थोड़ा सा क्या होता है कि नाम को डाल करके क्वेश्चन में कंफ्यूजन में डाल दिए जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस पर आप लोग घबराएंगे नहीं, बल्कि उसके जो भी नेम होते हैं उसके नेम को आप याद रखेंगे तो उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने जो केवल हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखे हैं, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट मैंने जानबूझ कर लिखा है कि यह हाइड्रेटेड सॉल्ट को ही हम लोग वाटर और क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन को अगर देखने के लिए चलते हैं, तो आपके पास जितने भी क्रिस्टल्स होंगे उन क्रिस्टल्स में अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, वाटर और क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो यहां आपके पास क्या होता है कि द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको सॉल्ट के फैमिली के बारे में बताया था, तो यहां पर फिर आपके पास आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट के फैमिली, जो आप लोगों को केवल टेंथ में पढ़ने हैं, फिर अगले क्लास में आपको बहुत सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट मिले। अब यह हाइड्रेटेड सॉल्ट में आप देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, जिसको मैंने आपको नेमिंग करने के लिए बताया है कि नेमिंग हम कैसे करेंगे। इससे पहले नाइन्थ क्लास में आपको बताया गया है जो नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं उसमें। अब यहाँ पर इसके पूरे जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उसके फैमिली को आप देख रहे हैं, जिसमें से मैंने कुछ फैमिली को लिखा है केवल यह बताने के लिए कि आप उसका नामकरण कैसे करें। तो यहां पर सबसे पहले देखिए कि कॉपर सल्फेट है। अब इस कॉपर सल्फेट में कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, जब विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके केवल उन्हीं कंपाउंड उन्हीं रेडिकल्स का यूज करते हैं जिनसे कि वह नया कंपाउंड को बनाता है, जैसे कि कॉपर है और यहाँ पर क्या है, सल्फर ऑक्साइड। तो इसको जब भी एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट, यानी कि विदाउट वाटर। अब आपके पास आता है क्या, कैल्शियम सल्फेट बी द हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब हाफ होते हैं तब हम उनका नामकरण कैसे करेंगे, हम आपको रेड स्केल से इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। जब हाफ होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, हेमी या सेमी, बाकी सारी चीज को वैसे ही रखेंगे। क्योंकि यह वाटर है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट लगाएंगे। बाकी जो इधर का कंपाउंड है उस कंपाउंड को वैसे ही डाल, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट, तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट है। सिर्फ डिफरेंट क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स पर। तो यहां पर इसके नंबर के आधार पर हम उसका नेमिंग करते हैं। जब हाफ होते हैं तो क्या लिखेंगे, हेमी लिखें या फिर सेमी लिखें। जब वन होता है तो केवल हाइड्रेट लिख करके छोड़ देते हैं। जब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे तो केवल क्या करेंगे, हाइड्रेट लिख करके छोड़ देंगे। अगर नहीं होता है, कोई भी अगर किसी भी क्रिस्टल के फॉर्म में है और उसमें वाटर नहीं है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, एन हाइड्रेटेड। ठीक है, एन हाइड्रेटेड।
जब एन हाइड्रेटेड लिखेंगे तो यहां हम एन हाइड्रेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, एन हाइड्रेट, ये कब लिखेंगे, जब यह पानी में घुलने वाला हो या पानी की उपस्थिति में भी क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे तब लिख सकते हैं। लेकिन अगर वैसे कंपाउंड जिसमें पानी डालने के बाद वह खुद अपने आप को ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो वहां पर एनहाइड्रेट नहीं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि एनहाइड्रेट कब लिखने हैं और कब नहीं लिखने हैं। तो यहां ये आपके लिए एनहाइड्रेट मैंने ऊपर में इसीलिए छोड़ दिया, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वह अगर हाइड्रेट के फॉर्म में आता है तो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, अगर वाटर में नहीं है तो भी वह क्रिस्टल के फॉर्म में। तो यहां पर क्या है कि वाटर जो है इसमें अब्सेंट है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रेट लिख सकते हैं, या फिर आप केवल कॉपर सल्फेट फुल लिक्विड छोड़ सकते हैं, यानी कि दोनों चीज आप। अब आगे देखते हैं कि जब दो होते हैं, जब टू मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, बाकी सबके सब वैसे ही रहेंगे। अब देख रहे हैं कि कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट। तो आपने कैल्शियम सल्फेट लिख लिया, अब वाटर है तो हाइड्रेट आपने लिख लिया, अब यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कराना है तो टू है, तो टू के लिए हम लोग डाई लिखते हैं, तो डाई। तो यहां पर आप समझ गए कि जब दो मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी सॉल्ट क्रिस्टल होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डाइहाइड्रेट लिखेंगे, बाकी जो आपके पास कंपाउंड के नेम होते हैं उसको डालो। सेम उसी तरीके से पांच के लिए, तो इसमें क्या डालेंगे, पेंटा, पांच जब होगा तो पेंटा, जब सात होगा तो हेक्टा, और जब दस होंगे तो डेक्टा। तो इस तरीके से आप किसी भी वाटर और क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड को उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए ये जो नेमिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ सॉल्ट था जो विद द वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका आपको नेमिंग जान गए। अब हम लोग इसको देखेंगे कि गर्म करने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक्शन ऑफ हीटिंग हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो इसमें हीट करने के बाद कुछ नहीं होता है, उसमें के जो केवल वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर जाते हैं और उसका कलर केवल चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपके पास लिया है क्या, कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, तो इस समय इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। जैसे ही आप इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वह दो मॉलिक्यूल्स में, दो प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, तो एक होता है कॉपर सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट का जो डस्ट आएगा, पाउडर आएंगे, वो आपको किस कलर में आएंगे, व्हाइट कलर, और इसमें के जो वाटर होंगे वो इवेपोरेट कर जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जब भी आप हाइड्रेटेड सोल्ट को जब जैसे ही आप गर्म करते हैं तो वह हाइड्रेटेड सोल्ट जो होता है वह एनहाइड्रेटेड सोल्ट में कन्वर्ट कर जाता है। सेम उसी तरीके से आप देखें यहां पर ये जो मैंने लिखा है, या दो फॉर्मूला सेम एक ही चीज का नाम होता है, जिसे जिसको हम लोग अपनी भाषा में जंग बोलते हैं, रस्ट, ठीक है। तो ये रस्ट जो होते हैं, कुछ ऐसे रस्ट होते हैं जो ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, यानी कि उसमें पानी की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होता है, आप उस पर हाथ लगाएंगे तो वो हल्के चिपचिपे होते हैं, तो वह जो होता है वह क्या होता है, डेक, यानी कि डेकाहाइड्रेटेड होता है। तो यहां पर आपके पास जो फेर आयरन ऑक्साइड जो होता है इसको हम दो नामों से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं आपको लिख दिया हूं, यह होता है क्या, फेरस ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों कंसिस्ट होकर के फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब यह फेरिक ऑक्साइड जो होता है वह क्या है, हेप्टा हाइड्रेटेड के साथ, और फेरिक ऑक्साइड डेका हाइड्रेटेड के साथ। तो यहां पर हेप्टा हाइड्रेटेड और डेका हाइड्रेटेड दोनों में से आप देखें यहां पर जैसे आप इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद क्या हो जाता है,
यह वाटर मोलिक्यूल्स को इवेपोरेट कर देता है, जिसके बाद आपके पास क्या बनता है, केवल फेरिक ऑक्साइड ही आते हैं। अब ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है पहले ब्राउन कलर में होते हैं, फिर बाद में क्या हो जाता है, वह ब्लैक ब्राउन बन जाता है, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करेंगे, उसका कलर चेंज होता रहेगा, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इवेपोरेट होते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को यहां तक, इस वीडियो तक में आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में संभवतः हो सकता है कि मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।